प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 8 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस बीच गुजरात में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के सारे दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 रैलियां की तो कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने भी चुनावी रैलियां की। योगी आदित्यनाथ मोरबी पहुंचे और हादसे के दर्द को जनता के साथ साझा करने की कोशिश की। वहीं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा सरमा ने कच्छ में रैलियां की। एमसीडी चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आप नेताओं पर अधिकारियों से उगाही का आरोप लगाया। बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी कर आप नेता मुकेश गोयल पर जेई से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि कट्टर भ्रष्ट पार्टी के कट्टर भ्रष्ट नेता मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उनका स्टिंग सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। टी जोन में हो गए एक दो बार, पहले भी मैंने बुलाने की कोशिश की परंतु बार बार कन्नी काट कर खड़ा हो गया तू। मुझे पता नहीं मैं मुकेश गोयल हूँ, क्या बीमारी है तुझे अफसर? डीसी को मैसेज भेज कर तुझे बुलाया गया। दूसरे में आप सुन सकते हैं कि डीसी के मैसेज के बाद तू खुद आया है यहां पर। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है ना, मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट जेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें कामयाब होना है तो सुन ले, मुझे सब पता है कैसे कामयाब होना है। इससे पहले भी जो जेई था वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के गया है, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए और उसके बाद उसका काम कराया। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने संबित पात्रा पर मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कही। मुकेश गोयल ने कहा कि बीजेपी ने फर्जी ऑडियो जारी किया है, क्लिपिंग भी एडिटेड है, मैं किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार हूं। मुकेश गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी निगम का चुनाव जीत रही है, इसीलिए बीजेपी अनाप शनाप आरोप लगा रही है। मुझे अपने बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूं और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूं। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, मेरे ऊपर आज तक 1 पैसे की उंगली नहीं उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली की जनता जो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार है उनसे तंग आ चुकी है। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा और आफताब के रिश्ते में बीते 2 सालों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसके सबूत सामने आ रहे हैं। अब एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें श्रद्धा ने अपने टीम लीडर को बताया कि आफताब ने उसे पीटा था। इससे पहले श्रद्धा की एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 चिट्ठियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की। दावा है कि ये चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अंग्रेज अफसरों लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजी थी। इनमें से एक की आखिरी लाइन में लिखा है योर एक्सीलेंस ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी। दूसरे चिट्ठी के आखिर में लिखा है योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एम के गांधी। फडणवीस ने अपने पोस्ट में राहुल के लिए लिखा, कल आपने मुझे एक पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ने को कहा था, चलो अब कुछ दस्तावेज आज मैं आपको पढ़ने को देता हूं। हम सब के आदरणीय महात्मा गांधी जी का ये पत्र आपने पढ़ा, क्या वैसे ही अंतिम पंक्तियां इसमें मौजूद हैं जो आप मुझे पढ़वाना चाहते हैं? सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी संग्राम थम नहीं रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ऐसा बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। हालांकि संजय राउत ने ये भी कहा कि इतिहास कहता है कि वीर सावरकर कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भक्त नहीं थे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हिंदू आतंक के बारे में बात की, जेएनयू में भारत को विभाजित करने की कोशिश करने वालों के साथ खड़े रहे और अब वो वीर सावरकर पर सवाल उठा रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है, उन्हें एक परिवार से परे कुछ भी नहीं दिखता। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे? कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे? सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो? ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मिठाई की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है ताकि धमकी भरी चिट्ठी रखने वाले का कोई सुराग हाथ लग सके। शुक्रवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जोशीमठ ब्लॉक के उर्गम पल्ला जखोला रोड पर गाड़ी ने अचानक से संतुलन खो दिया और वो खाई में जा गिरी। मरने वालों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। लखनऊ में नाबालिग लड़की को चौथी मंजिल से फेंककर हत्या के आरोपी सुफियान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सुफियान की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी और उस पर 25,000 के इनाम का ऐलान भी था। पुलिस के मुताबिक दुबग्गा पावर हाउस के पास सुफियान को पुलिस ने घेर लिया। जब उसने पुलिस पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी की कमान युवाओं की अगली पीढ़ी को सौंपी जाए। अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए 5 दिसंबर को चुनाव होगा। फारूक अब्दुल्ला के पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला पार्टी की कमान संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चे के नियम को लागू करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को देखना सरकार का काम है। जन्मदर में वृद्धि के बावजूद भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉन्च हो गया। ये रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 पेलोड सफलता से इजेक्ट किए गए। 89.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई हासिल की और फिर समुद्र में स्प्लैश डाउन हो गया। लॉन्चिंग के साथ ही इसे बनाने वाले 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। कंपनी का कहना है कि इससे सैटेलाइट लॉन्चिंग कैब बुक करने जितनी आसान हो जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 12 बजे शुरू होना था, लेकिन वेलिंगटन में लगातार बारिश हो रही थी। 1.5-2 घंटे तक बारिश रुकने का इंतजार किया गया, लेकिन वो नहीं रुकी। इसके बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। यूपी की योगी सरकार का अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की अपराध से अर्जित एक और अवैध संपत्ति को कुर्क पर कार्रवाई की है। ये संपत्ति अतीक अहमद के भाई पूर्व SP विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के नाम पर थी। कुर्क की गई जमीन की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है।